हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो फलों और सब्जियों में विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं उनका क्या कारण है और कड़वापन के क्या कारण है इससे संबंधित है। इनसे कभी कभी एक नंबर में सवाल पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो उन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे, रिविजन होगा हम लोग का। सबसे पहले आता है मिर्च। मिर्च में तीखापन का क्या कारण है? तो कैप्सेसिन। और वही मिर्च के लाल रंग का क्या कारण है? तो कैप्सेंथीन। इन दोनों में अंतर कैसे याद रखेंगे? जब हमें मिर्च तीखी लगती है तो क्या होता है, हमें सिसकने की, खूब तेज मुंह से आवाज निकलती है, खूब तेज तीखा लगता है तो सिसकते हैं। तो वही सा सा, दो बार सा सा आ रहा है तो कैप्सेसिन। और लाल रंग के लिए कैप्सेंथीन, याद रखिएगा, लाल रंग के लिए कैप्सेंथीन और तीखा तीखा लगने पे सिसकती आती है तो कैप्सेसिन हो जाएगा। फिर आता है खीरे। खीरे में करवाड़ का क्या कारण है? तो खीरे को अंग्रेजी में कुकुम्बर बोलते हैं, उसी से कुकर बिटेसिन। इसके बाद है आंवले। आंवले में जो कसेलापन है था उसका क्या कारण है? तो आंवला, आंवला का पेड़ अगर आप लोगों देखा होगा तो वो उसकी टहनियां बहुत पतली होती हैं, एक टहनी में कई सारे आंवले लगे होते हैं गुच्छे के रूप में, तो उसी से टैनिन, टहनी से टैनिन याद रखिएगा। आंवले में, आंवले में कसेलापन टैनिन के कारण होता है। मूली, मूली का तीखापन किस कारण होता है? तो ये आइसोसाइनेट के कारण होता है। फिर करेले, करेले में जो कड़वाहट आती है वो किस लिए होता है? तो वो मेमोर्डिकोडिकोसाइट के कारण होता है। इसके बाद है आलू। कुछ कुछ आलू हरे रंग के हो जाते हैं, तो वो आलू में जो हरा रंग है उसका क्या कारण है? सोलेनिन। और हल्दी, हल्दी में जो पीला रंग पाया जाता है तो वो क्या कारण है उसका? कुरकुमिन। ध्यान दीजिएगा, हल्दी का जो पीला रंग है वो कुरकुमिन है। हल्दी जब सूख जाती है तो कुछ कुरकुराहट जैसी हो जाती है, तो उससे याद रख सकते हैं कुरकुमिन। फिर पपीता, पपीता के पीला रंग का क्या कारण है? तो पपीते का जब पका पपीता होता है उसको अगर हम लोग जूस की तरह पीस दे तो कैसा लगेगा? करी के जैसा लगेगा, पीला 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 करी होता है, करी के जैसा, तो उसी से याद रख सकते हैं कैरिका जेंथिन। करी के जैसा, कैरिका जेंथिन, पीला रंग पपीते का। इसके बाद है तिलहन। जो तिलहनी फसलें होती है उसमें पीला रंग क्या, उसका क्या कारण है? तो वो कैरिटोनाइज्ड, ये याद रखेगा। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, पपीते का पीला रंग करी के जैसा करिका जेंथिन, और तिलहन का पीला रंग कैरोटीनाइज्ड। तो इनको एक जगह याद कर लीजिएगा। फिर आता है दूध। दूध जो कुछ सफेद रंग के होते हैं तो उसका कारण क्या है? उसमें केसीन पाया जाता है। दूध में केसीन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। और कुछ कुछ दूध जो जब गाय भैंस नए नए दूध देती हैं तो उसमें पीलापन जो होता है दूध का वो किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। फिर आता है गाजर। गाजर यानी कि कैरेट, अंग्रेजी में कैरेट बोलेंगे, तो गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण। तो दूध में पीला रंग भी कैरोटीन के कारण, गाजर का नारंगी रंग भी कैरोटीन के कारण, और लहसुन में कुछ पीलापन होता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। तो ये तीनों देखेगा कैरोटीन के कारण है। एक लाइन से याद रख लीजिएगा, पीलापन दूध का, गाजर का नारंगी और लहसुन में पीलापन। फिर लहसुन में कुछ गंध आती है, स्मेल आती है, तो उसका कारण क्या है? एलाइसिन। लहसुन, देखिए लहसु, तो इसमें भी एलासुन, एलाइसिन एक तरह से लहसुन से मिलता शब्द है, तो लहसुन में जो गंध है वो एलाइसिन के कारण होता है। इसके बाद है टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, तो वो लाइकोपिन। ज्यादातर बच्चों को याद भी होगा ये लाइकोपिन, कई बार पूछा गया एग्जाम में। फिर प्याज, प्याज भी लाल रंग का होता है उसमें, तो उसके लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन। ओनियन, प्याज को क्या बोलते हैं? ओनियन बोलते हैं, ओनियन, तो नियन से एंथोसाइनिन। और वहीं सेब में जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या है? तो ये एंथोसाइनिन ये भी है। एप्पल में और ओनियन में एंथोसाइनिन लाल रंग का होता है, और गाजर में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, जबकि गाजर में नारंगी रंग कैरेट, कैरेट मतलब गाजर होता है, तो नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होगा और लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। इतना याद रखेगा। प्याज, अब सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि प्याज को छीलने पे आंसू क्यों आते हैं? तो प्याज पे छीलने पे आंसू का आने का कारण क्या है? सल्फेनिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा इसको, सल्फेनिक अम्ल है। एग्जाम्पल ऑप्शन में जो दिया रहता है वो सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस तरह मिलते जुलते नाम दिए रहते हैं। तो
तो याद रखेगा सल्फेनिक, फेना जैसा। तो आंसू क्या आते हैं, आंसू एक तरह से जब गिरते हैं तो बूंदे हो जाती हैं, आंसू बूंद के रूप में, तो फेना भी बूंद के रूप में होता है, तो फेनिक सल्फेनिक अम्ल इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत मिलता जुलता एग्जाम्पल दे देता है ऑप्शन में, सल्फोनिक देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल देगा और सल्फेनिक देगा, तो सही आंसर होगा सल्फेनिक अम्ल। साथियों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साथियों वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।